देश के यशस्वी मनस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सत्रह सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक जिस पखवाड़े को हमने आयुष्मान भव का नाम दिया है उसके संबंध में आयोजित प्रेस वार्ता में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे महानगर के नव मनोनीत अध्यक्ष सहारनपुर महानगर पुनीत त्यागी जी, सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी, सहारनपुर लोकसभा के पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी, निवर्तमान महापौर संजीव वालिया जी, उपस्थित मेरे सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा जी की भी आज जन्मदिन है, उनकी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आधुनिक भारत के शिल्पकार, देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी आज जन्म जयंती है, उसकी भी आप सबको शुभकामनाएं देते हुए आज की वार्ता आप सबके माध्यम से किस बिंदुओं पर रखी गई है उस पर चर्चा प्रारंभ करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने माननीय प्रधानमंत्री जी की जयंती से लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती तक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इस पखवाड़े को हम लोगों ने आयुष्मान भव पखवाड़ा के रूप में मनाने का निर्णय लिया। भारतीय जनता पार्टी के मूल संगठन के अतिरिक्त हमारे अनेक मोर्चों को इस पूरे पखवाड़े के अंदर अलग अलग तरह की सामाजिक गतिविधियों को करने का पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी सौंपी है। आज और कल माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान एक ऐसा दान है जो अनेकों ऐसे व्यक्तियों की जो अपनी जीवन लीला समाप्ति के कगार पर होते हैं उनके जीवन को बचाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नौजवान कार्यकर्ताओं को युवा मोर्चा के माध्यम से इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी है। 17-18 सितंबर को हम इस कार्यक्रम को विभिन्न पीएचसीज पर, विभिन्न प्राइवेट नर्सिंग होम्स पर, युवा मोर्चा की अलग अलग प्रदेश की, जनपद की, मंडलों की इकाइयां इसको अलग अलग स्तर पर आयोजित कर रही हैं। 23 और 24 सितंबर को प्रदेश सरकार के द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में, इन परीक्षण शिविरों में जिला स्तर के हॉस्पिटल और जो हमारे वेलनेस सेंटर हैं, उन सब पर हम निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर मेलों का आयोजन कर रहे हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की जांचों को हम फ्री सर्विस देंगे और 24 तारीख को जितनी हमारी पीएचसीज हैं उन पीएचसीज पर भी हम निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाएंगे। किसी भी सरकार के द्वारा ये एक इतना बड़ा अभियान है कि हम आम जन को उनकी जांचों को निशुल्क लाभ देकर के कैसे अपने देश और प्रदेश की जनता को लाभान्वित करें, ये उस संबंध में सार्थक प्रयास सरकार की ओर से किया गया है। सरकार की ओर से कैंप लगेंगे लेकिन हमारे संगठन की ओर से
वहां पर आने वाले लोगों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता को, किस प्रकार हमारा कार्यकर्ता कितना संवेदनशील है आने वाले लोगों की, हम उनके वहां पर उनके बैठने की, उनके जल की, उनको कोई असुविधा ना हो, इसकी चिंता हमारे वहां पर कार्यकर्ता करेंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लगातार हमारा आयुष्मान कार्ड वितरण का भी कार्यक्रम चलेगा। और ये जो कार्यक्रम है आयुष्मान वितरण का, ये कार्यक्रम हम प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर करेंगे। उस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान, वहां के ग्राम पंचायत सचिव, उस गांव के बने हुए आयुष्मान कार्डों का वितरण करेंगे। और जितने हमने भाई राशन कार्ड नए बने हैं, उन सब लाभार्थियों के, जो उनके वाइट कार्ड के लाभार्थी हैं, उन सब लाभार्थियों के वो कार्ड बना करके उनका भी वहीं पर हम वितरण करेंगे। आप सब जानते हैं कि आयुष्मान योजना विश्व की सबसे बड़ी एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में लागू हुई थी। जब किसी के घर में अचानक कोई ऐसी विपत्ति आ जाती थी, अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाती थी, तो व्यक्ति सोचता था कि मैं धनराशि कहां से लाऊंगा, मैं कैसे इतना महंगा इलाज करा पाऊंगा। उसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री जी ने की और देश के प्रधानमंत्री जी ने उनकी चिंता करते हुए इस योजना को हम लेकर के आए थे। उसमें हमने और बढ़ोतरी की है, उसमें अलग अलग स्तर पर उन लाभार्थियों के कार्ड का बढ़ना प्रारंभ हुआ है। और आज उसी उन्हीं कार्डों का वितरण और उस योजना की पूर्णतः संपूर्ण जानकारी हमारे प्रत्येक उसके लाभार्थी को प्राप्त हो, या उसमें आने वाली कठिनाइयों का पता उस सबसे ग्राम सभा के स्तर पर हम लोगों को पता लगे, इस नाते उसमें पहली बार हम लोगों ने ग्राम सभा को इन्वॉल्व किया है। हमारे वहां के खंड विकास कार्यालय के खंड विकास अधिकारी, हमारे वहां का पंचायत सचिव, हमारे एडीओ पंचायत और हमारे समस्त गांव के ग्राम प्रधान, ये उस योजना को अधिकाधिक लोगों को हम लाभ दिला सकें। जिन लोगों के कार्ड बने हैं उन लोगों को कैसे पूरा लाभ हम दे सके सरकार की ओर से, इन सब योजनाओं को लेकर के आज 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक हम समाज के बीच में रहेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि जिस आयुष्मान कार्ड की मैं आप सबके सामने चर्चा कर रहा हूं, एक दोहा है कि घायल की गति घायल जाने दूसरों न कोई, उस गरीब की पीड़ा को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने गरीबी को देखा हो। और आप सब जानते हैं, सब यहां मोदी जी भी वर्ग बैठा है, पत्रकार बंधु बैठे हैं, कि देश के प्रधानमंत्री ने अपना बचपन इन परिस्थितियों में काटा। उसी परिस्थितियों को किसी और को सामना ना करना पड़े, वो परिस्थिति तो एकदम से नहीं पलटी जा सकती, लेकिन उनके घर में किसी बीमारी से, किसी भी भयंकर बीमारी से कोई ऐसा अछूता ना रहे कि जिसको हम वो लाभ ना दे सके। इस नाते आयुष्मान योजना का शुभारंभ देश के अंदर हुआ था और उसी आयुष्मान योजना के इस हमारा जो आयुष्मान भव पखवाड़ा है, जो आज से लेकर के 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक हम चलाएंगे, उस नाते हम निचले स्तर पर इसको लेके जाए। एक ऐसा प्रयास सरकार के द्वारा और संगठन और आम जन के सहयोग से हमने किया है, जहां तक ये पूरा पखवाड़ा है इसमें अलग अलग दिन एक दिन स्वच्छता कमीशन भी चलेगा, अलग अलग और प्रकल्पों के द्वारा हम अनेक चीजों को लेकर के समाज के बीच में जाएंगे। जहां तक आज के प्रमुख बिंदु 3 थे, उन पर जो आप लोगों से वार्ता करनी थी उसमें यही हमारे 3 प्रमुख बिंदु थे कि आज और कल हमारा रक्तदान शिविर चलेंगे। 23 और 24 को हम पूरे प्रदेश के अंदर PHC तक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य मेले लगाएंगे। और 17 से लेकर के 2 अक्टूबर तक हम आयुष्मान कार्डों का वितरण करेंगे। इन्हीं 3 बिंदुओं पर आप सबके बीच में ये बातें मुझे साझा करनी थी और मेरी ओर से इतना ही था। बाकी आपके कोई ऐसे प्रश्न होंगे तो मैं उनका उत्तर दूंगा।